बात जीरे की कर लेते हैं। जीरे की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जीरा इस समय पर दबाव में है और करीब करीब अभी 50% जीरा एग्जिस्टिंग जो रेट चल रहे हैं, जो इस समय पर प्राइस चल रहे हैं, वहां से फिसल सकता है। उसके पीछे की वजह क्या है? चूंकि नई क्रॉप आनी शुरू हो गई है, नई क्रॉप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। पिछले साल जहां पर क्रॉप का जो जीरे का साइज था वो 55 लाख टन के आसपास का था, जो इस बार 1 करोड़ मीट्रिक टन को पार कर रहा है। इस समय पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो यही स्थिति दर्शाते हैं। हमने लगातार इसके अंदर में सर्किट लगते हुए देखे, 900 रुपए तक की गिरावटें यहां पर देखने को मिली। अभी भी गिरावटें लगातार बदस्तूर जारी हैं और ये गिरावट अभी और बने रहने की संभावना है। हाजिर बाजारों के अंदर भी जो सौदे हो रहे हैं वो काफी निचले स्तरों के ऊपर सौदे हो रहे हैं और हाजिर बाजार में भी जो प्राइस को हमने गिरते हुए देखा, तकरीबन 800-850 रुपए प्रति क्विंटल का प्राइस हाजिर बाजार के अंदर भी लुढ़का है। तो ये लगातार रोज रोज की ये एक्सरसाइज है इस समय पर। तो अभी गुजरात की अगर मैं ऊंझा मंडी की बात करूं तो ऊंझा मंडी में तकरीबन जहां कल 13 फरवरी को 7000 बोरी के आसपास की अराइवल थी, आज 14 फरवरी को 10000 बोरी के आसपास की अराइवल। और गोंडल मंडी की अगर मैं बात करता हूं तो गोंडल मंडी में जहां पर 4000 बोरी की आवक थी, वहां पर आज 6000 बोरी के आसपास की आवक। तो ये जिस तरीके से आवकों का जो दबाव है वो बन रहा है, राइवल्स जो यहां पर दिखाई दे रही हैं, उसका कास्केडिंग इफेक्ट निश्चित तौर के ऊपर जीरे की क्रॉप के ऊपर दिखाई देगा।